साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों देखिए, सकारात्मक रहने के लिए मैं बोलता हूं हमारा सनातन धर्म, और साथ में अगर आप भागवत गीता का अध्याय 17 श्लोक 3 उठा करके देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं अपना स्वयं ब्रह्म हूं, मैं अपना स्वयं निर्माण कर सकता हूं। मतलब कि इंसान की जो विचार की जो विचार धारणाएं होती हैं, इंसान उसी के अकॉर्डिंग अपना निर्माण करता है। अगर आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव रहते हैं, जो भी आपके विचार होते हैं वैसे ही एनर्जी आपकी लाइफ में आती है। अगर आप अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में परेशानियां चल रही हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत सारा संघर्ष है, तो इंसान क्या करता है, उन चीजों में और भी डूबता चला जाता है, उन्हीं चीजों पे फोकस करता चला जाता है। लेकिन ये नहीं सोचता है कि एक दलदल है, और दलदल में क्या होता है कि हम जितना निकलने की कोशिश करते हैं उसमें उतना ही धंसते चले जाते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने विचारों को चेंज करना है। अगर आप अपने थॉट्स को चेंज कर लेते हैं तो आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। इंसान जैसा सोचता है एक दिन वैसा ही बन जाता है। ये बात स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि इंसान जो जो जैसा भी सोच रखता है वैसा ही बनता चला जाता है। आप देखेंगे एक गरीब व्यक्ति का, जो गरीब बच्चों, गरीबों के जो बच्चे रहते हैं वो गरीब ही रहते हैं। कोई बिजनेसमैन है, उसका बच्चा बिजनेसमैन बनेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो जैसे माहौल में रहता है वो वैसा ही ढलता चला जाता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप अपने विचारों को पॉजिटिव रखते हैं, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है। सारा खेल सकारात्मक ऊर्जाओं का है आपकी लाइफ में। सकारात्मक और नकारात्मक, ये दोनों ऊर्जाओं का खेल है। दो घोड़े हैं, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। आप जिसको ज्यादा डोज देंगे वही आपकी लाइफ में ज्यादा चीजें मतलब क्रिएट करेगा। अगर आप पॉजिटिविटी को ज्यादा डोज देंगे तो पॉजिटिव थिंग्स आएगी, नेगेटिविटी को ज्यादा डोज देंगे नेगेटिविटी आएगी। तो आप अपनी सिर्फ सोच से अपने आप को चेंज कर सकते हैं। आप डेली अपने आप को अफर्मेशन दीजिए कि यस आई कैन डू इट, ये मैं कर सकता हूं। जो भी चीज आप करना चाहते हैं मेरे अंदर वो ताकत है, मुझे प्रकृति ने इतना धनवान बनाया है, मुझे भगवान ने सब कुछ दिया है, मुझे बहुत सौभाग्यशाली बनाया है। अभी छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, 8 अरब की आबादी में अगर ये वीडियो आपको मिला है तो प्रकृति का, कुदरत का, भगवान का, यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा साइन है कि आप अपनी सोच के जरिए पूरी अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो बस डेली जब भी याद आता है अपने आप को सिर्फ ये बोलिए कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, मेरे साथ में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। मुझे परमात्मा पे पूरा भरोसा है, वो मुझे कभी गिरने नहीं देगा। जब ऐसे वर्ड आप अपने आप को यूज करते हैं तो प्रकृति, भगवान खुद ही ऐसी अनुकूलताएं आपके सामने लाते हैं कि जो भी आपके डिजायर है वो चीजें आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। तो बस मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहे हमेशा, ठीक है। मेरा हमेशा से उद्देश्य रहा है, रुद्र मेडिटेशन का हमेशा उद्देश्य रहा है कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर है, जो भी मेरे व्यूवर्स है, वो हमेशा पॉजिटिव रहें। और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहें, है ना। और आज के जो मैं जानकारी दे रहा हूँ, एक छोटी सी आपको रेमेडी बता रहा हूँ जो आपकी समस्त प्रकार की जो घर की वास्तु की एनर्जी है, मनी के ब्लॉकेजेस हैं, उनको बैलेंस करेगी। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं, और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है और पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और दोस्तों यदि आप लोग काफी उपाय कर रहे हैं, रेमेडीज कर रहे हैं, परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं, तो एक बार अपना बर्थ चार्ट जरूर चेक करें, क्योंकि बर्थ चार्ट में जो भी प्लैनेट अनबैलेंस होता है, जो प्लैनेट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है, जब तक उसके अकॉर्डिंग कोई रेमेडी नहीं करेंगे, उसको बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक कोई भी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। अपना बर्थ चार्ट यदि मुझे चेक कराना चाहते हैं और बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान आप चाहते हैं तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या उसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस है, व्हाट्सएप में जाकर के फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं।
और यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, आप फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा। परिवर्तन आपको 7/11/21 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपकी मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, आज का जो प्रयोग बता रहा हूं, आपके घर में कोई भी तांबे का पात्र है, पीतल का पात्र है, नहीं है तो कोई मिट्टी का पात्र ले लें, छोटा सा घड़ा वगैरह ले लें, कुल्हड़ वगैरह। ठीक है, किसी भी पूर्णिमा के दिन में, गुरुवार के दिन में, शुक्रवार के दिन में, त्रयोदशी के दिन में इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। जिस दिन प्रयोग को करेंगे, नॉनवेज, ड्रिंक, एल्कोहल, इन चीजों को अवॉइड करेंगे। स्टोन वगैरह पहना है, पत्थर, उसको उतार करके प्रयोग करेंगे। ठीक है, और आपको क्या करना है, तांबे के अगर 5 सिक्के मिल जाते हैं तो तांबे के सिक्के ले लीजिए, नहीं तो 5-5 के जो पीतल वाले सिक्के आते हैं वो सिक्के आपको ले लेने हैं। ठीक है, इनको थोड़ा कच्चे दूध से, गौमूत्र से साफ कर लें और अपने घर के पहले पूजा स्थान में बैठ जाएं, एक घी का दिया जलाएं। मैं हर वीडियो में बोलता हूं दिया जरूर जलाएं, दिया क्योंकि जो होता है सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, साथ में अग्नि साक्षी होती है आपके पूजा पाठ की। ठीक है, दिया जलाएं, नीचे आसन, सिर पे कपड़ा, सामने बाजूट लगाएं, पटरा, उसके ऊपर इस जो पात्र लिया आपने तांबे का, पीतल का, मिट्टी का, उसको रख ले। 5 सिक्के इसमें डाल दें। ठीक है, 11 दाने चावल के डाल दें, 11 दाने कोरिएंडर सीड्स यानी कि जो धनिया के बीज होते हैं वो इसमें डाल दें, और हो सके तो एक छोटी सी, कितनी मतलब छोटी से छोटी भी चलेगी, एक चांदी की मछली अगर डाल सकते हैं तो समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा। अब यदि चांदी की मछली नहीं मिल पा रही है तो चांदी का सिक्का डाल सकते हैं, चांदी का सिक्का भी नहीं है तो चांदी का कुछ भी धातु छोटा सा टुकड़ा उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, एक गुलाब के इत्र की या चंदन के इत्र की छोटी सी बोतल ले लें, उसको खोल करके उसमें आपको डाल देना है और वहीं बैठ करके माता लक्ष्मी का बीज मंत्र, ठीक है, कम से कम 15 मिनट तक आपको जाप करना है। श्रीम 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 कंटिन्यू जाप करना है, आजप अजाप करना है, इसकी काउंटिंग नहीं करनी है। ठीक है, श्रीम 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 कंटिन्यू आप इसको जाप करते रहेंगे, जाप पूरा हो जाता है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको लाल कपड़े से इसका मुंह आपको बंद कर देना है और लाल धागे से इसको आपको बांध देना है। गुलाब की अगरबत्ती वगैरह है वो आपको घुमा देनी है। अब इसको उठा करके अपने घर में आपकी जो रसोई है, तो रसोई में जहां पर ईशान डायरेक्शन बनती है, मतलब कि ईस्ट नॉर्थ का जो कॉर्नर होगा आपके पूरब का और उत्तर के बीच में जो कॉर्नर बन रहा होगा, वहां पर इसको आपको रख देना है, परमानेंटली रखना है, और ऐसे रखना है कि सिर की ऊंचाई से हो आपकी। ठीक है, अब ये आपने रख दिया, रोज आपको कम से कम कोशिश ये करें कि उसमें आपकी नजर पड़े, या घर का कोई भी मेंबर्स जब भी रसोई में जाए तो उसमें उसकी नजर पड़े। अगर ये प्रयोग आपने कर लिया तो आप देखेंगे दोस्तों कि आपकी लाइफ में मनी के जो भी ब्लॉकेजेस थे, लक्ष्मी का किसी प्रकार का कोई बंधन था, या घर में किसी प्रकार की कोई दोष की वजह से पैसों का आगमन रुका हुआ था, तो ये दोष आपका दूर हो जाएगा और आपकी जिंदगी में धन का प्रवाह आकस्मिक बढ़ जाएगा। कम से कम दोस्तों प्रयोग करेंगे तो 11, 21 या 41 दिन तक थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। धैर्य बहुत ज्यादा जरूरी है और पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब प्रयोग आपने कर लिया, अब यदि इसमें डाउट क्रिएट करते हैं कि क्या पता असर करेगा कि नहीं करेगा, तो ये नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको क्या बोलना है, ये वर्क करेगा, ये वर्क करता है, बार बार अपने मन को बोलना है। तो जब ऐसी एनर्जी आप फ्लो करेंगे तो आपको यही एनर्जी उसमें जनरेट होगी जो आपने रेमेडी की है, तो इससे आपकी जिंदगी में मनी का फ्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, प्रयोग बहुत ही चमत्कारिक है, बहुत ही दिव्य प्रयोग है, लाभ की मैं गारंटी लेता हूं अगर इस मेरे बताए तरीके से आपने कर लिया। महिलाएं अशुद्धि वाले दिन में इसको टच नहीं करेंगे, ठीक है, उस दिन आपको छोड़ देना है, रसोई में इसको टच नहीं करना है, और रोज इसकी धूप बत्ती करनी है आपको। पूजा पाठ करते रहेंगे, एनर्जी जनरेट होती रहेगी, है ना, रख करके छोड़ना नहीं है। सही तरीके से आप कर लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। ठीक है, कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने के लिए इसलिए बोलता हूं कि मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, जब वो वीडियो को लाइक करते हैं ऐसी जानकारी आप लोगों को नीड होती है तो आप लोगों तक YouTube रेकमेंड कर देता है। अब एक छोटा सा 1 सेकंड का लाइक आपको करना है, ठीक है, और आपके एक छोटे से लाइक से कितने लोगों तक इस जानकारी को YouTube रिकमेंड कर देगा, तो आपका एक छोटा सा लाइक कितने लोगों को इस जानकारी का लाभ देगा, तो लाइक जरूर कर दिया करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखा करें, इससे माता रानी की दया कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं यहां से आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूं। ठीक है, और जानकारी को शेयर जरूर करें, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, सभी जगह शेयर करें। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। Yeah.